तो ये रहे काले भट्ट और ये मैंने छांट के रखे हुए हैं इसके। तो ये सामने नीचे हमारा शिव मंदिर है, यहाँ पे देखे ये पैया का पेड़ है तो इस पे फूल भी आ गए नए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आशा भसवाण, उत्तराखंड चमोली के शोल डूंगरी गाँव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत पहाड़ों में। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से और मैं अभी घर पर ही हूँ और घर पर ही रहना है, सिलाई करनी है मुझे। तो मैं दिखाती हूँ आज, बताती हूँ मैं काले भट्ट और काले भट्ट का आज बनाने वाले हम बुक और शाम को बनेगी रोटी। तो क्या क्या होता है इसका मैं दिखाती हूँ किस तरह से रोटी और किस तरह से डुबुक बनता है। तो ये रहे काले भट्ट और ये मैंने छांट के रखे हुए हैं, इसके बाद इनको डालना है भिगोने के लिए। और दिन में बनाएंगे इसका जो है कि डुबुक और रात को बनाएंगे हम इनकी रोटियाँ। तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, ये देखिए इसमें कुछ सोयाबीन भी मिक्स हो रखे हैं। तो काले भट्ट ना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये पहाड़ों में होते हैं और पता नहीं और जगह भी होते होंगे या किसी और नाम से इसको जाना जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे काले भट्ट इनको बोलते हैं। अब मैं इनको पहले धो के फिर उसके बाद भिगोने के लिए डाल दूँगी। ये गरम पानी में मैं इनको भिगोने के लिए डाल रही हूँ। तो डाल दिए मैंने भट भिगोने के लिए और मेरी माँ डाल रही गेहूँ सुखाने के लिए। ये गेहूँ जो है कि जो सोसाइटी से मिलते हैं डीलर के वहाँ से, वहाँ वो वाले गेहूँ हैं, ये फ्री वाले जो फ्री में मिल रही है राशन वो वाले। तो इसको छांटना धोना पड़ता है। तो माँ इसको आज पहले तिरपाल में डालेंगे सुखाने के लिए, फिर देखेंगे कि इनमें कितना कबाड़ है, फिर उसके बाद धो के फिर सुखाएंगे इसको। ये देखिए कितना सारा कबाड़ है इनमें, तो इनको धोना ज़रूरी है। तो आप धोई देख ली दिन में भाई अधीरू सिंह देख लो हम फोन कुछ काम नहीं है। इधर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हुए तब यार ठीक शेजा प्यार। तो अब मैं करूँगी सिलाई। आजकल ना शादियों का सीजन भी चल रहा है और सर्दियाँ भी हो रही है, तो इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, ये सारा ढेर लगी हुई है। तो मैंने कटिंग कल की करके रखी हुई है, तो मैं अब सिलाई करती हूँ। तो ये रहा सूट सलवार जो काट के रखा हुआ है, पहले इसी से शुरुआत करती हूँ आज। तो शुरू कर दिया मैंने कपड़ों को सिलना। तो मैं कपड़े सिलने के बाद आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी कि कितने कपड़े मैंने आज के पूरे दिन में सिले हैं, क्योंकि आज पूरे दिन मेरे को सिलाई करनी है, तो लास्ट में बताऊँगी मैं। सिलाई कर रही हूँ और आज मेरे पास आया एक छोटा सा कस्टमर जो कि बहुत दूर से आए हैं ये दोनों। ये देखो ये है रिया, ये इसकी छोटी बहन, इसको ना अपने लिए सूट सिलवाना है। ये देखो क्या नाम है तेरा? दिव्या। दिव्या देखो दिव्या कितनी छोटी है, कितने साल है तू? सात साल की है। इसको अपने लिए सूट सिलवाना है, ये पहली बार आ रही है यहाँ। और इनका मतलब घर जो है पड़ता तो डूंगरी में ही है, पर रिशाण मतलब ग्राम सभा अलग है रिशाण में। तो ये लोग बहुत दूर से आते हैं क्योंकि यहाँ मार्केट भी दूर है, तो इसलिए सारे मेरे ही पास आते हैं। ये देखो पैदल चल के आए हुए हैं ये लोग। ये लोग ना गोबर डालने आए थे, देखो इतने छोटे हैं। और ये एक खेत गोबर डाल के यहाँ कपड़े देने आ गए। अब लेती हूँ मैं इनका नाप, देखो कितने इस, ये तो बहुत ही छोटी है। तो अब 11 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ माँ का घास का स्वेटर लेने, क्योंकि हरी घास का स्वेटर ना बहुत भारी होता है, तो इसलिए मैं आधे रास्ते तक लेने जा रही हूँ। और माँ गई है वो नीचे मंदिर से, नीचे है हमारा मांगा कमेड़ में, वहाँ गई है घास के लिए, तो मैं स्वेटर लेने जा रही हूँ अभी। तो ये सामने नीचे हमारा शिव मंदिर है,
यहाँ पे देखे ये पैया का पेड़ है, तो इस पे फूल भी आ गए, नया मोवार जिसको बोलते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारे गांव का नारायण मंदिर और इससे नीचे पड़ता है शिव मंदिर। देखिए यह शिव मंदिर, और आ चुके हैं मेरी माँ लोग, शायद भाभी लोग भी गए थे, माँ मंजू भाभी और ये गुंजन। ये देखो गुंजन आज पहली बार लाखड़ा सोल है कहानी, पहली बार चना नाना तू सिर पक तो हो चा, तू सिर पक तो हो चा कती करो हुने नहीं हो ना उती भी। हाँ, अब बाखर कहाँ लिखा है चीती हो दगड़े बाखर, या तो नींद आन बैठी सर वो नहीं लिखा है ची मना मार। ये देखो तुम भाभी जी सुयर भी कतान बड़ो लगे करो हुने, अब कती करो हुने बसो ये ची सर में अब ये मैं माँ सुजोर ची कती भारी हुने मैं भारी हुने भारी की यो गुंजन ने माँ में दिए सोडा फुखा ले आने शर्म नहीं आनी थी दैद में बुआ में देनी सोड। आ चुकी हूँ मैं घर और अब मैं करूँगी दोबारा सिलाई और माँ बनाएगी खाना। तो हम लोगों का खाना भी हो गया और मेरे पापा ने ये गेहूँ भी धो दिए सारे, ये देखिए। तो पापा आज घर पर ही हैं और अब ठूँग रहे हैं सिलबट्टे को, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सिलबट्टे को कैसे ठूँगते हैं। ये देखिए पापा ने सिलबट्टे को ठूंकना शुरू कर दिया, तो कुछ इस तरह से ठूंकते हैं सिलबट्टा, तो सभी को पता होगा जिसमें पिसते हैं मसाला वगैरह। तो ये जो पापा के हाथ में इसको बोलते हैं ठूंग, तो इससे ठूंगना, हम तो ठूंगना ही बोलते हैं, बाकी अदर भाषा में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो सिलबट्टे को ठूंगने से जो है कि दाल और मसाले जो हम पीसते हैं ना उसे पीसने में आसानी होती है, ये फिसलता नहीं है उसके बाद। तो इस तरह से आज के ज़माने में वैसे सिलबट्टे पे बहुत कम लोग पीसते हैं, सारे मिक्सी में पीसते हैं। तो हम करते हैं अभी भी सिलबट्टे का यूज, मिक्सी का यूज कम ही करते हैं। तो ऐसे जो ये छोटा सा जिससे पीसते हैं इसको हमारे यहाँ पे लाड़ा बोलते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना। तो ये भी ठूँग चुका है, सिलबट्टा भी ठूँग दिया पापा ने, और ये देखिए मैं इसको धोने के लिए लाई हूँ। तो ठूँगने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है, अब इसको धोऊंगी मैं, धारे पर ही लाई हूँ धोने के लिए। तो इसको धोना बहुत अच्छे तरीके से धोना पड़ता है, ऐसे साफ करके बिल्कुल रगड़ रगड़ के, ताकि इसमें गारे ना हो। गारे हमारे यहाँ पे उसको बोलते हैं जो बारीक वाले पत्थर होते हैं मुंह पे लगते हैं, तो हम घर की भाषा में गारे बोलते हैं। तो इसको इस तरह से धोना पड़ता है। तो धुल चुका है सिलबट्टा भी। तो शाम की 5 बज चुके हैं और मेरे कपड़े भी सिल के तैयार हो चुके हैं, वो दिखाती हूँ आप लोगों को। उसके बाद मुझे भट पीसने हैं जो कि सुबह के भिगोने के लिए डाले हुए हैं। तो ये रही एक सूट, ये इसके साथ का सलवार है, और ये दूसरा सलवार, और ये इसके साथ का सूट, और एक सूट ही है। ये थे मेरे आज के पूरे दिन के सिले हुए कपड़े। अब मैं जाती हूँ नीचे किचन में भट को धोना पीसना जो भी होता है वो करने। तो आ चुकी हूँ मैं किचन में और मैं धो रही हूँ अब भट्टों को। तो अब मैं भट पीसना शुरू करती हूँ, ये देखिए ऐसे पीसते हैं। भट्टों को पीस के फाइनल कर दिया मैंने, और अब पीसूंगी मैं लुमच। तो लुमच में धनिया, हल्दी, मिर्च और लहसुन सब कुछ साथ में पीसना पड़ता है। और मेरी माँ भी आटा गूंद रही है, और मैं ये भट्टों और लुमच को मिक्स कर रही हूँ अभी। अब मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया, तो रोटी मैं आपको बिना बेलन के हाथ से बना के दिखाती हूँ। तो हाथ से बना रही हूँ मैं रोटी, तो ये कुछ पराठों की तरह बनता है रोटी भी, पर सिर्फ इसमें तेल नहीं लगता और ये मतलब कोयलों में पकाया जाता है। तो मैं रोटियों को बना रही हूँ और मेरी माँ पका रही है रोटियां, तो हम दोनों लगे हुए हैं रोटियां बनाने में। और पापा टीवी देख रहे हैं, और धीरू भी अपने कमरे में फ़ोन देख रहा होगा शायद। तो ये देखिए जी भट्ट की रोटी भी हो चुकी है तैयार। तो ये ऐसी
तो ये रोटी ना ज़्यादा मुलायम अच्छी नहीं लगती, कड़कड़ी ये अच्छी लगती है खाने में, स्वादिष्ट होती है कड़कड़ी रोटी भट्ट की, तो बहुत स्वादिष्ट होती है ये भट्ट वाली रोटी। आप लोग भी आ जाइए भट्ट की रोटी खाने, जिसको खाना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हो चुका है हम लोगों का खाना, तो मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल नई सुबह नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट।